नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। मेरे साथ हैं ज्योतिष आचार्य पंडित अमित पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे करें मूर्ति पूजा? मूर्ति पूजा का क्या है विधान? देव प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा क्यों है जरूरी? घर के देवी देवताओं की क्यों नहीं होती प्राण प्रतिष्ठा? घर में गजलक्ष्मी रखना क्यों होता है शुभ? देखिए सिर्फ भाग्य चक्र में। सनातन हिंदू धर्म में पूजा उपासना की तमाम पद्धतियां प्रचलित हैं। इसमें साकार की उपासना भी की जाती है और निराकार की भी। साकार ईश्वर की उपासना में मूर्ति पूजा का विशेष महत्व है। बिना मूर्ति या प्रतीक के साकार ब्रह्म की उपासना नहीं हो सकती। आज हम अपने प्रोग्राम में मूर्ति पूजा की बात करेंगे और जानेंगे कि सनातन हिंदू धर्म की पद्धतियों में मूर्ति पूजा कैसे की जाती है, मूर्ति पूजा के क्या विधान हैं और मूर्तियों की स्थापना के समय उनकी प्राण प्रतिष्ठा क्यों की जाती है। इसी के साथ ही ये भी जानेंगे कि किसी भी देव प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा क्यों की जाती है और कितने तरह की प्राण प्रतिष्ठा होती है। पंडित जी, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और बताइए हमारे दर्शकों को। किसी भी देव प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा उस मूर्ति को जागृत करने के लिए किया जाता है। इससे मूर्ति में वास्तविक रूप से प्राण तो नहीं आते, लेकिन मूर्ति जागृत हो जाती है और मूर्ति सिद्ध हो जाती है। किसी भी देव मूर्ति की घर या मंदिर में स्थापना करने से पहले उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करना अनिवार्य होती है। जब आप देखिए एक दिवसीय कोई पूजन करते हैं या अनुष्ठान करते हैं, तो भी पूजन आरंभ करने से पहले जब आप ध्यान पूजा करते हैं, सबसे पहले जो आपने चाहे सुपारी के ऊपर चाहे प्रतिष्ठा कलश के ऊपर जब भी पूजन शुरू करते हैं, सबसे पहले प्राण प्रतिष्ठा के ही मंत्र बोले जाते हैं और अक्षत चावल और फूल के माध्यम से प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा दो प्रकार से होती है। पहली प्रतिष्ठा चल प्रतिष्ठा कही जाती है और दूसरी अचल प्रतिष्ठा। अचल प्रतिष्ठा जो होती है वह कहीं ना कहीं ऐसी मूर्तियों के बारे में किया जाता है जो मिट्टी या बालू से बनी होती हैं। और विशेष बात, एक बात ध्यान रखें, चल और अचल में एक अंतर है। चल प्रतिष्ठा उन मूर्तियों में किया जाता है जो अल्पकालिक अवधि के लिए किया जाता है, जो दीर्घकालिक अवधि के लिए किया जाता है, जैसे मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा होती है या जो कोई इस तरह की प्राण प्रतिष्ठा है जो अब आपके साथ जिंदगी भर जिन मूर्तियों की आपको पूजा करनी है, तो ऐसी मूर्तियों की जो प्राण प्रतिष्ठा होती है वो अचल प्राण प्रतिष्ठा होती है, मतलब अस्थायी स्थिर प्राण प्रतिष्ठा होती है। लेकिन जो एक दिवसीय, दो दिवसीय या आपने किसी साल भर के उत्सव आदि के लिए अगर आपने प्राण प्रतिष्ठा करनी है तो वह अचल प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है और ऐसी मूर्तियों का आवाहन और विसर्जन किया जाता है। मतलब जब आपने अचल प्राण प्रतिष्ठा की है तो ऐसी मूर्तियों का विसर्जन नहीं होगा, लेकिन जब आपने चल प्राण प्रतिष्ठा की है तो ऐसी मूर्तियों को एक निश्चित समय अवधि के बाद उनका विसर्जन कर देना चाहिए। लकड़ी या धातु से बनी मूर्तियों का आवाहन और विसर्जन नहीं किया जाता है, यह बात आप नोट कर लें। घर में देवी देवताओं की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर आपने कोई धातु की मूर्ति लाई है, कोई धातु की प्रतिमा बनाई है या जो दीपावली के रात लक्ष्मी गणेश लोग ले आते हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है और यह प्राण प्रतिष्ठा अचल प्राण प्रतिष्ठा होती है, मतलब एक समय अवधि विशेष के लिए होती है। अस्थाई मूर्तियों की प्रतिष्ठा होने के बाद उनको हिलाया नहीं जाता है। अब यहाँ एक बात मैं और बता दूँ कि चाहे आप चल प्रतिष्ठा करें चाहे आप अचल प्रतिष्ठा करें, उन मूर्तियों को हिलाना नहीं चाहिए, उन प्रतिष्ठा कलश को हिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि विसर्जन के बाद ही उन मूर्ति और उन प्रतिष्ठा कलश को हिलाना चाहिए। इससे यह माना जाता है कि जब आपने एक बार प्रतिष्ठा कर दी तो उसमें देवताओं का वास हो गया है, अब उनको हिलाने डुलाने से उनको तकलीफ का कारण बनेगा। जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है उसके सामने एक बात और ध्यान रखें, कभी भी सोना और खाना नहीं चाहिए। मतलब जिस जगह पे, जिस प्रांगण में, जिस कमरे में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, अनुष्ठान इत्यादि कर्म हो रहे हैं, देव स्थापना के कार्य हो रहे हैं, उस स्थान को साफ सुथरा रखना चाहिए। वहाँ जमाई लेना, सोना खाना पीना सब वर्जित होता है। और क्योंकि जब प्राण प्रतिष्ठा होती है मूर्तियों की, तो वहाँ पर पूरे वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है
अब बात करते हैं कि अलग अलग धातुओं की मूर्ति की स्थापना कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। तो तांबे की जो मूर्ति होती है उसकी स्थापना चित्रा नक्षत्र में करना चाहिए। चित्रा मंगल का नक्षत्र है, मंगल तांबा उसकी धातु है, तो मंगल से संबंधित होने कारण से तांबे की मूर्तियों अगर स्थापना करना है तो चित्रा नक्षत्र में करना लाभकारी होता है, वह प्रतिमा आपके लिए कल्याणकारी होती है। तांबे की देव प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा आप जब भी करें तो घर में उत्तर दिशा में करें। हालांकि तांबे की प्राण प्रतिष्ठा जो मूर्ति की जाती है वह कतिपय देवी देवताओं को किया जाता है, जैसे शिव और शिव परिवार से जुड़े हुए देवी देवताओं की तांबे की प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। जो वैष्णव परिवार हैं या जो महालक्ष्मी से जुड़े हुए देवी देवता या उनके कुल गोत्र के हैं उनकी प्रतिमाओं का स्थापना पूजा नहीं करना चाहिए। हाँ, प्रतिमाओं की स्थापना करने से पहले मूर्तियों को पंचगव्य और गंगा जल से शुद्ध कर लेना चाहिए। किसी भी देवी देवता की मूर्ति पीतल धातु की अगर बनी हो तो उसे आप घर में ज्येष्ठा नक्षत्र में स्थापित करें तो बेहतर है। शेष और नक्षत्रों में कर सकते हैं, ज्येष्ठा नक्षत्र अधिक उपयुक्त है। पीतल से बनी देव प्रतिमाओं का मुख उत्तर दिशा की ओर करके रखें, इससे आपके पूजा की जो प्रक्रिया है वह जल्द स्वीकार होती है। मूर्ति सोने या चांदी की हो तो भी इसी नियम का पालन करना चाहिए। वाराह पुराण के अनुसार अगर कोई व्यक्ति लकड़ी की देव प्रतिमा घर में लाना चाहता है तो वो मूर्ति महुआ की लकड़ी की होनी चाहिए। देखिए, देवी की उपासना की परंपरा हमारे देश में आदिकाल से रही है, सृष्टि की शुरुआत से ही रही है। तो सबसे पहले धातुओं से पहले चूंकि इंसान को लकड़ी का ज्ञान था तभी से लकड़ी की प्रतिमाएं इस पूरे धरती पे हर जगह आपको हर संस्कृति में जो मूर्तियों के बारे में आप देखेंगे तो पहली जो प्रतिमा मिलती है वो लकड़ी से बनी हुई और पत्थर से बनी हुई प्रतिमाएँ विशेष रूप से प्राप्त होती हैं, मतलब प्राचीन काल से, अति प्राचीन काल से। देव प्रतिमा अगर पत्थर की है तो वो कहीं से भी टूटी फूटी या कटी नहीं होनी चाहिए। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। मूर्ति घर में लाते समय उस पर अक्षत के दाने डालकर उसको शुद्ध करना चाहिए। एक तरह से आसन होता है या प्रार्थना होती है, विनियोग होता है, जो कि अक्षत चावल के माध्यम से करना चाहिए। वाराह पुराण के अनुसार किसी भी धातु से बनी मूर्ति की स्थापना करने से पहले व्यक्ति को उस मूर्ति के सामने चार पात्र जरूर रखने चाहिए। इन सभी पात्रों में पंचगव्य, अमृत, चंदन और शहद होना चाहिए। देखिए, पंचगव्य इस तरह से माना जाता है कि जब पंचगव्य पिया जाता है, प्राशन किया जाता है, पिया तो नहीं जाता है, प्राशन किया जाता है, पंचगव्य के प्राशन की बात हमारा शास्त्र करता है। पंचगव्य के प्राशन करने से दहत्वग्नि रवेंधनम, मतलब तीन तरह की अग्नि हमारे शरीर में है या तीन तरह की पीड़ा हमारे शरीर में है, वह दैहिक हो सकती है, शारीरिक पीड़ा हो सकती है, मानसिक पीड़ा हो सकती है, और वह हमारे परिवार की या हमारे जीवन की प्रक्रिया की पीड़ा हो सकती है, लाइफ स्टाइल की पीड़ा हो सकती है। तो इन तीनों की पीड़ाओं से मुक्ति प्रदान करता है उन दहत्वग्नि रवेंधनम, तीनों अग्नि को शांत करता है पंचगव्य। इसलिए पंचगव्य के प्राशन की बात की थी। प्राशन का अर्थ होता है कि अपने नाम के आंगुली से लगा करके अपने होस्टों को आप स्पर्श कराइए, प्राशन कहा जाता है। तो पंचगव्य बहुत पवित्र माना जाता है, जब भी देव स्थापना करें तो पंचगव्य, पंचामृत और शहद इनका प्रयोग जरूर करें, इनसे ही पूजा की शुरुआत होती है, आरंभ होता है। तो चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि किसी भी देव मूर्ति की स्थापना किस नक्षत्र किस वार को करना फलदायी होता है, पंडित जी बताइए दर्शकों को। रोहिणी, तीनोत्तरा, रेवती, धनिष्ठा, अनुराधा, मृगशिरा, हस्त, पुनर्वस, अश्वनी और पुख्य नक्षत्र में भगवान श्रीहरि विष्णु की प्रतिमा को घर में स्थापित करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त में ब्रह्मा, कुबेर और कार्तिकेय की प्रतिमाओं का स्थापना करना शुभ माना जाता है। अनुराधा नक्षत्र में सूर्य देव की स्थापना करना अत्यंत लाभकारी होता है। रेवती नक्षत्र में भगवान गणेश और माता सरस्वती की स्थापना करने से विद्या ज्ञान की प्राप्ति होती है। हस्त और मूल नक्षत्र में माँ दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना जरूर करनी चाहिए, यह आपके शक्ति को बढ़ाने वाला सिद्ध होगा। चैत्र माह में, फाल्गुन के महीने में, जेठ के महीने में, वैशाख के महीने में और माघ के महीने में देवी देवताओं की प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करने के शुभ मुहूर्त होते हैं। इन महीनों में जरूर स्थापना करनी चाहिए अगर आप कोई मूर्ति स्थापना की प्लान कर रहे हैं तो। अब रही बात तिथियों की, तो तिथियों में द्वादशी तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश को अति प्रिय है क्योंकि गणेश चतुर्थी हम मनाते हैं।
नवमी तिथि माता दुर्गा की प्राण प्रतिष्ठा के लिए निर्धारित की गई है। अगर हम दिवसों की बात करें, सात त्योहारों की बात करें, तो यह कहा गया है कि रविवार के दिन अगर देवी दुर्गा की आप प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो यह तेजस्विनी कहलाती है, मतलब वह आपके तेज को वृद्धि करने वाली होगी। सोमवार के दिन यही माता दुर्गा की आप प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो कल्याणकारी हो जाती हैं। मंगलवार के दिन में थोड़ा सा भेद है, कुछ शास्त्र ऐसा कहते हैं कि मंगलवार के दिन अगर प्राण प्रतिष्ठा माता दुर्गा की जाए तो अग्नि दाह कारणी होती है, लेकिन चूँकि प्राण प्रतिष्ठा शनि भौमवार को किया जाता है, शनिवार और मंगलवार के दिन प्राण प्रतिष्ठा करने के ग्रंथ कहते हैं, लेकिन वह चल और अचल में आप भेद कर लें। अचल प्रतिष्ठा अगर आप कर रहे हैं, जो एक समयावधि के लिए कर रहे हैं, कोई अनुष्ठान इत्यादि कर्म कर रहे हैं, तो मंगलवार के दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक मंदिर बनाना है परमानेंट, सदियों तक आपकी प्राण प्रतिष्ठा अगर करनी है किसी मूर्ति को, तो मंगलवार के चयन से बचना चाहिए। बुधवार के दिन अगर आप कोई प्राण प्रतिष्ठा माता दुर्गा की मूर्ति कर रहे हैं तो वह मूर्ति धनदायिनी सिद्ध होगी। गुरुवार के दिन अगर आप कर रहे हैं तो यह बल प्रदायिनी हो जाती हैं, और शुक्रवार के दिन सर्व प्रकार के आनंद को देने वाली आनंददायिनी होती हैं। फिर बात आती है शनिवार की, तो शनिवार के दिन भी वही बात मैं फिर कहूँगा कि अगर आपको कुछ निश्चित समय के लिए करना है शनिवार करिए, अगर कोई मूर्ति स्थापना परमानेंट करनी है तो ना करिए, क्योंकि यह सामर्थ्य विनाशनी हो जाती है। हमारे धर्मग्रंथ ये कहते हैं कि जो प्रतिमा खंडित है, जो टूटी फूटी है, उसका पूजन नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि जो आपने घर में फ़ोटो लगा रखी है या तस्वीर लगा रखी है, अगर वह भी कट फिट गया है या शीशा उसके टूट गए हैं, तो ऐसे आप फोटो को भी तस्वीर को भी घर से बाहर कर दें, उनकी भी पूजा आराधना नहीं करनी चाहिए। आपने श्रीयंत्र की स्थापना करी है, शिवलिंग की स्थापना करी है, चाहे पारद के चाहे किसी भी धातु के, तो अगर वह कहीं से उसमें चोट लग गया, टूट फूट हो गई, तो उसको भी आप गंगा जी में प्रवाहित कर दें, उनकी भी पूजा आराधना नहीं करनी चाहिए। हाँ, गणेश चतुर्थी गणेश जी की स्थापना के लिए चूँकि विशेष मुहूर्त माना जाता है, चाहे वह भाद्रपद की चतुर्थी हो, चाहे माघ माह की चतुर्थी हो, चतुर्थी अगर पड़ रही है, गणेश चतुर्थी के दिन अगर आप गणेश प्रतिमा ले आते हैं, तो सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम मुहूर्त है गणेश स्थापना के। शिवरात्रि के दिन या किसी भी प्रदोष काल में शिवलिंग की स्थापना या शिव प्रतिमा की स्थापना अत्यंत शुभ है। यह अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना जाता है अपने देवताओं की मूर्ति स्थापना के लिए, जैसे शिवरात्रि भगवान शिव के लिए, चतुर्थी गणेश जी के लिए, नवरात्रि के दिनों में माता दुर्गा के लिए। तो जैसे जो जिनकी तिथि, वार और महीने हैं, उन देवी देवताओं की स्थापना करने के लिए विशेष मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती, केवल अगर उनके दिन चल रहे हैं तो आप उनमें उन देवी देवताओं की प्रतिमा की स्थापना कर सकते हैं। नवरात्र के दिनों में, खास करके अष्टमी के दिन आप माता दुर्गा की स्थापना करते हैं, तो सर्वोत्तम मुहूर्त माना जाता है पूरे साल भर में। भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की अगर आप स्थापना करना चाहते हैं तो एकादशी के दिन का चयन करें, या जन्माष्टमी जो पड़ती है भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी से कृष्ण जन्माष्टमी कहा जाता है, उस दिन भी आप जो है कर सकते हैं। इसके अलावा वामन द्वादशी के दिन भी भगवान श्री हरि विष्णु की स्थापना मूर्ति की जा सकती है। इसमें किसी भी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, किसी भी नक्षत्र की आवश्यकता नहीं, किसी भी वार देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। शिव पंचमी की अगर आप बात करें तो पंचम अवतार जो है वो काशी के कोतवाल भैरव कहे जाते हैं, और यह भैरव की मूर्ति अगर आप स्थापना करते हैं, जो मार्ग शीर्ष की अष्टमी पड़ती है जिसे भैरवाष्टमी कहा जाता है, उस दिन अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से यह भैरव की स्थापना स्वयं में सिद्ध मानी जाएगी, और किसी भी तरह के विशेष पूजा पाठ की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है भैरव अष्टमी के दिन, अगर शिव के पाँचवें अवतार काल भैरव काशी कोतवाल की अगर आप स्थापना करते हैं, या 49 भैरों में किसी भैरव की अगर आप स्थापना करते हैं, मूर्ति बैठाते हैं चाहे मंदिर में चाहे घर में, तो निश्चित रूप से आप जो है इस भैरवाष्टमी का चयन करें। इस तिथि के दिन करने से वह प्रतिमा स्वयं सिद्ध होगी और आपके द्वारा की गई समस्त पूजा अर्चना स्वीकार होगी। देवी मूर्ति की स्थापना करते समय किन बातों का ध्यान रखना आसान होता है और किस भगवान को किस रंग के आसन पर स्थापित करना चाहिए, यह हम पंडित जी से समझते हैं। पंडित जी बताइए। देवी देवताओं का आसन भक्त या साधक के आसन से हमेशा ऊंचा होना चाहिए। शिव प्रतिमा को चूंकि शुक्रवार को स्थापित करने की बात कही गई है, शिवलिंग सोमवार को भी स्थापित कर सकते हैं। शिव की प्रतिमा को रेशमी कपड़े पर स्थापित करना चाहिए। देखिए, रेशमी से आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि रेशम का कपड़ा तो बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन
जो शास्त्र कहता है वह शिव का संबंध सफ़ेद रंग से है। तो जब भी आप भगवान भोलेनाथ की स्थापना कर रहे हैं, चाहे मूर्ति चाहे शिवलिंग, तो श्वेत वस्त्र का चयन करें। सफ़ेद कपड़ा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। शिवलिंग को अगर आप धातु के आसन की बात करें तो धातु के आसन पर स्थापित कर सकते हैं, या पत्थर के आसन पर स्थापित कर सकते हैं, या लकड़ी के आसन पर भी स्थापित कर सकते हैं। माँ दुर्गा के आसन की बात करें तो माँ दुर्गा का आसन लाल रंग का होता है। अगर आप प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो लाल रंग के कपड़े का चयन करें। महालक्ष्मी को गुलाबी रंग का आसन या पीले रंग का आसन या कमल के फूल रख करके उसके ऊपर आप स्थापित कर सकते हैं। भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा को पीले या रेशमी रंग के कपड़े के आसन पर स्थापित करना चाहिए। हनुमान जी को केसरी रंग बहुत पसंद है, लाल रंग बहुत पसंद है, और इनको अति प्रिय होने की वजह से ये रंग जब भी आप हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं, तो हमेशा इनको लाल रंग के आसन या केसरी रंग के आसन पे रखना चाहिए। भगवान गणेश को पीला या हरा रंग बहुत प्रिय है, इनको आप हमेशा पीले या हरे रंग का आसन प्रदान करें। देवताओं के सामने प्रज्वलित दीप को भी बुझाना नहीं चाहिए। जब आप पूजा कर रहे हैं तो पूजा करने से सर्वप्रथम कोई भी कार्य जब किया जाता है तो एक दीपक जलाया जाता है। दीपक को धर्मराज की संज्ञा दी गई है। धर्मराज का मतलब होता है जो नीर छीर का विवेक करे, जो गलत और सही में भेद कर सके, वह आपका साक्षी होता है, गवाह होता है। तो एक बार जब आपने दीप प्रज्वलित कर दिए तो जब तक आपका पूजन कार्य संपूर्ण नहीं हो जाता है, आप विशेष रूप से सावधानी रखें कि दीपक बुझे नहीं, यह आपकी जिम्मेदारी है। सालक ग्राम का आवाहन और विसर्जन दोनों नहीं होता है। सालक ग्राम में स्वयं श्रीहरि विष्णु का वास होता है। सालक ग्राम की शिला ले आइए, उसका पूजन आप शुरू कर दिए तुलसी पत्र चढ़ा करके, क्योंकि वो स्वयं भगवान श्रीहरि विष्णु का स्वरूप माना जाता है। इसलिए साल शिला की जो है पूजा नहीं की जाती है, उसमें स्वयं भगवान का वास होता है। जो मूर्ति स्थापित हो उसमें आवाहन और विसर्जन दोनों नहीं किया जाता है। मिट्टी की मूर्ति का आवाहन और विसर्जन होता है, और अंत में शास्त्रीय विधि से गंगा आदि किसी भी पवित्र नदी में प्रवाहित किया जाता है। धातु के बने मूर्तियों का विसर्जन नहीं होता है, मिट्टी की मूर्ति का आवाहन और विसर्जन होता है, और अंत में शास्त्रीय विधि से गंगा में प्रवाहित भी कर दिया जाता है मिट्टी से बनी मूर्तियों की। देखिए, पंचामृत आप जो तैयार करते हैं, अगर पंचामृत में सब वस्तु प्राप्त न हो सके तो केवल दूध से स्नान करने मात्र से पंचामृत जन्य फल प्राप्त होता है। सालक ग्राम पे जब भी आप पूजन करें, जब भी उनका आप जो है यजन कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं, तो सालक ग्राम और श्री विष्णु के किसी भी स्वरूप का जब भी आप पूजन करें तो एक सावधानी रखें कि चावल न चढ़ाएं, अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है। लाल रंग मिश्रित चावल कतिपय कारणों से भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाया जा सकता है, यह बिल्कुल स्पष्ट आदेश नहीं है, लेकिन इसमें कई तरह के भेद हैं। लेकिन फिर भी अनिवार्य रूप से भगवान श्री कृष्ण को, चूंकि सुदामा के हाथ से तंदूल भगवान ने खाए थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण स्वरूप को लाल रंग के रंगे हुए चावल चढ़ाए जाते हैं। लेकिन सालक ग्राम शिला को या विष्णु के रूपों को उनको चावल कतई नहीं चढ़ाना चाहिए। हाथ में धारण किए हुए फूल, तांबे के बर्तन में रखा चंदन और चन्नपात्र में गंगा जल अपवित्र हो जाता है। इसको आप नोट कर लें। देवी देवताओं को पिघला घी और पतला चंदन नहीं चढ़ाना चाहिए। मूर्ति को स्नान कराते समय उसे अंगूठे से कदई न रगड़े, मैंने आप स्नान कराए तो ऐसे जल्दी जल्दी ऐसा न करें कि उनको भी तकलीफ हो। यह मान के चलें कि इसमें जीव का वास है, प्राण है, क्योंकि आपने अब आवाहन कर दिया है। तो पंडित जी ने आपको बता दिया कि भगवान को किस रंग के कपड़े पर स्थापित करना चाहिए और उससे किस तरीके से फल आपको मिल सकता है। लेकिन अब पंडित जी से जान लेते हैं कि घरों में अगर हाथी की प्रतिमा आप रखना चाहते हैं तो उसके क्या फ़ायदे आपको मिल सकते हैं। पंडित जी बताइए हमारे दर्शकों को कि अगर हाथी की प्रतिमा अगर कोई घर में रखना चाहता है, किस दिशा में वो प्रतिमा को रखे और साथ ही साथ कैसे उसका फल उसको मिल सकता है। आपने जो प्रश्न किया कि हाथी घर में रखना कितना शुभ होता है, इसके बारे में बता दूं कि माता महालक्ष्मी की 8 रूप माने गए हैं, अष्ट महालक्ष्मी हैं, जिसमें एक लक्ष्मी गजलक्ष्मी कहा जाता है। गजलक्ष्मी मतलब हाथी पे विराजमान लक्ष्मी, और माता शरद पूर्णिमा की रात में हाथी पे विराजमान होकर पूरी पृथ्वी का एक चक्कर लगाती हैं, संसार में संपन्नता समृद्धि बनाए रखने के लिए, दरिद्रता को दूर करने के लिए। तो जिस हाथी पर बैठती हैं वह हाथी लक्ष्मी का प्रतीक बन जाती है, और हाथी बहुत ही शुभ माना जाता है। घर में हाथी की प्रतिमा रखना लाभकारी होता है, इससे कई प्रकार के फायदे होते हैं।
हाथी का संबंध चूंकि विघ्नहर्ता श्री गणेश जी से भी है। अपने घर के मुख्य द्वार पर हाथी की मूर्ति लगाने से परिवार की रक्षा होती है। अपने बेडरूम में पीतल का हाथी रखने से, हाथी की बड़ी सी तस्वीर लगाने से पति पत्नी के बीच मतभेद भी समाप्त होते हैं। ड्राइंग रूम के पीतल का हाथी रखा जाए तो शांति और समृद्धि का कारक होता है। ड्राइंग रूम में रखा हाथी जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। लेकिन याद रखें, युगल हाथी रखने की बात होती है, जोड़े में हाथी रखें। हाथी ऐश्वर्य का प्रतीक है, व्यक्ति के संपन्नता का प्रतीक है। हाथी हर कोई नहीं पाल सकता। हाथी पालना एक गौरव का बात होता है, एक शक्ति की बात होती है, ऐश्वर्य की बात होती है। अपने घर में या जेब में छोटा सा चांदी का ठोस टुकड़ा रखने की बात राहु के अशुभता को दूर करने का एक उपाय कहा जाता है। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर आप ये नहीं करते हैं, आपके लिए अनकम्फर्टेबल फील होता है चांदी का कोई भी सामान जेब में रखना परमानेंट, तो आप चांदी के दो हाथी लाइए छोटे, और उसे आप जल में करके आप अपने ड्राइंग रूम में या जहाँ अपने बेडरूम में आप उसे रख दें। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु की महाशय चल रही है तो इसमें काफ़ी आराम मिलेगा। राहु की दशा के अशुभ प्रभाव को दूर करेगा और सुफल मिलना आरंभ हो जाएगा। हाथी घर में रखने से संतान को भी कष्ट नहीं होता है, संतान पीड़ा से भी मुक्ति मिलती है। चूँकि गजलक्ष्मी की स्वरूप होने से कारोबार में भी लाभ मिलता है। इसे घर में उत्तर दिशा में स्थापित करने से ज़्यादा लाभ मिलता है। उत्तर की दिशा कुबेर की दिशा कही जाती है, इसलिए हमेशा हाथी के जोड़े को जो है उत्तर की दिशा में उसका मुख इस प्रकार से स्थापित करना चाहिए। जिस हाथी की तस्वीर या मूर्ति में उसकी सूंड झुकी हुई हो तो ऐसी मूर्ति घर में नहीं रखना चाहिए, यह ठीक नहीं माना जाता है। जिस हाथी की तस्वीर या मूर्ति में उसकी सूंड ऊपर उठी हुई हो उससे तरक्की होती है, वह धन और संपत्ति बढ़ाने वाली तस्वीर या मूर्ति हो सकती है। अपने बच्चों को आज्ञाकारी बनाने के लिए अपने घर में हाथी और उसके बच्चों की प्रतिमा जरूर रखनी चाहिए। देखिए, हाथी गजलक्ष्मी की स्वरूप होने के साथ साथ राहु से भी संबंध है, तो जहाँ यह आपके आर्थिक दोषों को दूर करेगा वहीं पे यह राहु से उत्पन्न होने वाले तमाम उपद्रवों को भी शांत करेगा। ये छोटे छोटे उपाय हैं, छोटे से परिवर्तन से काफ़ी लाभ प्राप्त किया जा सकता है। अगर राहु की दशा आपकी कुंडली में चल रही है तो चांदी, एक बात विशेष तौर पर चांदी की आप जो है हाथी ले आए, उसे जल में रख करके अपने घर में रखें तो निश्चित रूप से राहु की महाशा ठीक चलेगी। जो भी उससे उत्पन्न होने वाले दोष उपद्रव हैं उसमें शांति आएगी। और अगर आप कोई पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, कोई बड़े कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं, ये छोटे छोटे उपाय करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो पंडित जी ने आज के प्रोग्राम में आपको बताया कि देव प्रतिमा की स्थापना कैसे करनी चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा अगर आप कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान आप रख सकते हैं। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। भाग्य चक्र में आज बस इतना ही। आगे के एपिसोड में हम कुछ और विषयों पर पंडित जी से विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार। नमस्कार।